तो गाइस पैसे की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। विदाउट पैसे सबके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। फिर आपको कोई हायर एजुकेशन लेना हो या तो फिर हॉस्पिटल्स के बड़े बड़े बिल पे करने हैं। तो गाइस कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पूरी लाइफ की सेविंग्स इन सारे खर्चों में अगर लगा देते हैं तो भी उसका गोल अचीव नहीं कर पाते। एंड राइट नाउ इस COVID-19 की क्रिटिकल सिचुएशन में या तो फिर दूसरे कोई भी रीजन से अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी से भी पैसे मांगोगे तो ज़्यादातर आपको पैसे देने से मना कर देंगे, चाहे फिर वो आपका अच्छा दोस्त या तो फिर रिलेटिव ही क्यों ना हो। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप कहां से एडजस्ट करोगे? आप सोचोगे कि काश कोई डोनेशन यहां पे मिल जाता। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूं जहां से आपको कोई भी रीजन से पैसे की जरूरत है तो आपको उस वेबसाइट में एक प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। उस प्रोफाइल में आपको सारी डिटेल्स ऐड कर देनी है। तो जैसे ही आप वो डिटेल्स ऐड करोगे वो वेबसाइट वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद अप्रूव कर देगा। तो ये सारी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और वीडियो के आखिर में एक आपको लाइव प्रूफ भी बताऊंगा जो मैंने रिसेंटली ही क्रिएट किया है। लाइव प्रूफ इन द सेंस मेरे एक रिलेटिव है जो आज की तारीख में हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको सर्जरी के लिए 40 लाख रुपये की ज़रूरत है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना इम्पॉसिबल है। उसकी पूरी लाइफ की सेविंग अगर इसमें लगा दी जाए तो भी आधे से भी कम पैसे इकट्ठे होते हैं इसी कंडीशन है उन लोगों की। तो मैंने उस वेबसाइट पे एक प्रोफाइल क्रिएट की है जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की है और मुझे उस वेबसाइट के जरिए डोनेशन आना भी स्टार्ट हो गया है जो मैं आपको एज ए लाइव प्रूफ आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह से आपको उस वेबसाइट पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, क्या उसकी प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड फ्रेंड्स ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे इस वेबसाइट की तरफ से कोई भी पैसे नहीं मिले। मुझे फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी तो मैंने इस वेबसाइट में प्रोफाइल क्रिएट की और मेरी प्रोफाइल पे अभी डोनेशन आना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वेबसाइट पे एक वीडियो क्रिएट की जाए और उन सभी लोगों के साथ शेयर की जाए जिसको इसकी वाकई में जरूरत है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोगों को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है इस क्रिटिकल टाइम पे आप उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूं कि किस तरह से आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, क्या स्टेप्स है प्रोफाइल अप्रूवल के, ये सारी बातें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डोनेशन लेने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है keto.org। मैं ये वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप अपने ब्राउजर में ये वेबसाइट ओपन कर दीजिए। इस प्लेटफॉर्म की कुछ खास बातें हैं जिसमें सबसे पहला है कि 0% प्लेटफॉर्म फीस। इसका मतलब है कि जितना भी फंड आप रेज करते हो वो बिना किसी चार्जेस के आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी तक इस वेबसाइट में 1100 करोड़ से ऊपर का फंड रेज कर दिया है एंड यहाँ पे टोटल 55 लाख से ऊपर डोनर्स है जिसने फंड डोनेट किया है एंड 2 लाख से ऊपर यहाँ पे फंड राइजर्स है जिसने अपनी जरूरत के मुताबिक इस वेबसाइट की मदद से फंड इकट्ठा किया है। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ा स्क्रोल डाउन करोगे तो आप यहां पे देख सकते हो कुछ फंड राइजर्स है आपको दिखेंगे जो अभी एक्टिव है एंड उसने कितना फंड रेज किया है। यहाँ व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस पेज में आप देख सकते हो कि कितने दिनों में इस सारे लोगों ने कितना फंड राइज किया है। एंड आप कोई भी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेल के पेज में आप देख सकते हो यहाँ पे अबाउट के सेक्शन में आपको दिखेगा कि उस फंड राइजर्स ने ये रिक्वेस्ट क्यों जनरेट की है और क्या जरूरियात है पैसे की। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो उस फंड राइजर्स का गोल कितना है, कितने लोगों ने सपोर्ट किया है, कितने दिन बाकी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर नीचे आप यहाँ पे डोनर्स की लिस्ट भी देख सकते हो जहाँ से आपको पता चलेगा कि कितने डोनर्स ने कितनी अमाउंट यहाँ पे डोनेट की है। तो यहाँ पे ऊपर आपको कॉन्ट्रीब्यूट नाउ का बटन दिख जाएगा जहाँ पे क्लिक करके आप कोई भी प्रोफाइल पे डोनेशन दे सकते हो, आपके क्रेडिट कार्ड या तो फिर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फिर कोई UPI ट्रांसफ़र करना है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो। तो ये सारे वेज है। तो ऐसी प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जाए वो सारी प्रोसेस मैं आपको अभी बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे फंड राइज रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए स्टार्ट अ फंड राइजर्स फॉर फ्री बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा जहाँ पे सबसे पहले आपको पर्पस सिलेक्ट करना है कि कौन से पर्पस के लिए आप ये फंड रेज कर रहे हो, लाइक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है या तो फिर कोई NGO के लिए है या तो फिर कोई दूसरा रीज़न है। तो पर्पस सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लीजिए और आपका मोबाइल नंबर ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो सिंपली आप उस OTP को यहाँ पे ऐड करके फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो आपने कौन से रीजन से ये फंड रेज किया है, उसकी रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर आपको पर्पस चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कितने रुपीज़ का फंड रेज करना है वो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 50,000 रुपीज़। फिर ये पेशेंट के साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फंड रेज की रिक्वेस्ट जनरेट की है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सिंपली यहाँ पे रिलेशन सिलेक्ट कर लीजिए, और रिलेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको इस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे नीचे इमेज या तो फिर वीडियो अपलोड कर देनी है जिस पर्पस के लिए आप ये फंड रेज की रिक्वेस्ट कर रहे हो। एंड जो भी आप इमेज या वीडियो अपलोड करो तो वो सामने वाले बंदे को ऐसा लगना चाहिए कि आपने एक जेन्युइन रिक्वेस्ट ऐड की है। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज में आपको पेशेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, लाइक पेशेंट का फुल नेम क्या है, पेशेंट की एज कौन सी है, फिर ये जो पेशेंट है उसकी मेडिकल कंडीशन भी कैसी है, फिर ये पेशेंट अभी हॉस्पिटल में एडमिट है कि नहीं, तो यहाँ से यस और नो सिलेक्ट कर दीजिए, और हॉस्पिटल का नाम भी आपको ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, जिसमें ऑटोमेटिकली कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक पूरी स्टोरी ऐड करनी पड़ेगी कि आप ये फंड क्यों रेज कर रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको जो भी पैसे मिलेगा वो कहाँ पे जाएगा, एंड आपकी स्टोरी पे ही डिपेंड है कि लोग आपको डोनेशन देंगे कि नहीं। तो जो भी लोग आपकी प्रोफाइल देखेंगे उनको आपके फंड रेज करने के पीछे का रीजन पता चले तो आपकी स्टोरी सच्ची होनी चाहिए एंड उसमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डोनर आपको डोनेशन देगा उसके पहले ये स्टोरी एक बार वो जरूर रीड करेगा, तो इसके बेसिस पे ही आपको डोनेशन मिलेगा। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस खत्म करोगे तो केटो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको वेरिफिकेशन के लिए एक कॉल आएगा। उस कॉल में आपसे पूछा जाएगा कि जो भी प्रोफाइल आपने क्रिएट की है उसके बारे में। एंड अगर आपको कोई कॉल नहीं आता तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पे आप सिंपली फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ते हो आपको यहाँ पे दिखेगा फंडराइजर सक्सेसफुली क्रिएटेड, तो आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है। तो सिंपली इस मैसेज को यहाँ से क्लोज कर दीजिए, और क्लोज करने के बाद आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा उस प्रोफाइल पे जो आपने अभी रिसेंटली ही यहाँ पे क्रिएट की है। तो ये प्रोफाइल हमने डेमो पर्पस के लिए क्रिएट की है, तो इस तरह की प्रोफाइल आपको दिखेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी टाइटल आपने ऐड किया है वो टाइटल, फिर जो डिस्क्रिप्शन आपने ऐड किया है वो सारा डिस्क्रिप्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। फिर जो कैंपेनर है जिसने ये प्रोफाइल क्रिएट किए है उसका नाम, फिर कोई बेनिफिशियरी अगर आपने ऐड की है तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये एक डेमो प्रोफाइल है, तो इस तरह की डमी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड की है। फिर जो भी गोल अमाउंट आपने सेट की है कि कितने फंड रेज करने हैं आपको इस वेबसाइट के जरिए, तो आपको यहाँ पे गोल अमाउंट भी यहाँ पे दिखाई देगी। और अगर आपको ये प्रोफाइल शेयर करनी है तो यहाँ पे आपको शेयर दिस फंड रेजर का ऑप्शन मिलता है, तो जहाँ से आप ये प्रोफाइल अपने सोशल मीडिया के अकाउंट में शेयर कर सकते हो। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, तो सिंपली यहाँ पे एडिट फंड रेजर्स पे क्लिक कर दीजिए। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबसे पहले अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप एडिट पे क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल एडमिन पैनल में ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ से आपकी पूरी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हो। लाइक अगर आपको टाइटल चेंज करना है तो यहाँ से आप टाइटल चेंज कर सकते हो, अगर आपको इमेजेस अपलोड करनी है तो यहाँ से आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो। फिर अगर आपको गोल अमाउंट अपडेट करना है तो आप यहां से गोल अमाउंट को भी अपडेट कर सकते हो, अगर आपको कैंपेन की एंड डेट सेट करनी है तो एंड डेट भी आप यहां से चेंज कर सकते हो। फिर उसके नीचे आपको एक फंडराइजर्स की लिंक का ऑप्शन दिखेगा, तो ये लिंक आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। एंड यहाँ पे अबाउट के सेक्शन में अगर आपको कोई इमेज एड करनी है, वीडियो एड करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। और उसके नीचे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, तो जो भी रीज़न के लिए आपने ये फंड रेज की रिक्वेस्ट की है उसके रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो जो भी डोनर्स आएंगे उसको ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। फिर उसके बाद करते हैं प्रोमोट के बारे में, तो आप यहाँ पे प्रोमोट के ऑप्शन में देख सकते हो जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वो सभी जगह पे आप इस प्रोफाइल को शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कोई अपडेट देनी है तो आप यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन भी मिलता है, तो ये अपडेट आपकी प्रोफाइल में दिखेगी। फिर आपको यहाँ पे विड्रॉल का सेक्शन दिखेगा, तो अगर आपको जो भी डोनेशन मिलता है वो अगर आपको आपकी बैंक अकाउंट में ऐड करना है तो आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। अभी ये डेमो प्रोफाइल है, जो भी अप्रूव नहीं है, तो अगर यहाँ पे मैं कोई भी अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे मना कर देगा, क्योंकि मेरी प्रोफाइल अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स तभी अपलोड कर पाओगे जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है। तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड, फिर एड्रेस प्रूफ यानी
यानी कि कोई आधार कार्ड या तो फिर वोटर आईडी कार्ड, फिर बैंक के डॉक्यूमेंट्स, उसमें कोई ब्लैंक चेक का फोटो या तो फिर फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, ये आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। एंड अपलोड करने के बाद विद इन 2 डेज आपकी सारी बैंक की डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी, उसके बाद आप आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आपको डोनेशन का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली डोनेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो जितने भी लोगों ने आपकी प्रोफाइल में आपको जो भी फंड डोनेट किया है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। फिर उसके नीचे इनबॉक्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो भी कमेंट्स ऐड की है कोई भी बंदे ने, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये तो बात हुई एक डेमो प्रोफाइल की, अब मैं बात करता हूँ मैंने जो प्रोफाइल क्रिएट की है उसके बारे में। लेकिन हाँ गाइज, ये जो फर्स्ट पेज है ओवरव्यू, यहाँ पे आपको KYC भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट KYC का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको आधार कार्ड ऐड करना पड़ेगा। आपके आधार कार्ड के फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के फोटोज आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी फंड आपने रेज किया है, जो भी रिक्वेस्ट की है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। फिर अगर बात करते हैं लाइव प्रोफाइल के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पे मैं चला जाता हूँ, मेरा ये अकाउंट है जो मैंने कल ही क्रिएट किया है, और व्यू प्रोफाइल के अंदर मैं चला जाता हूँ एक फंड रेजर्स की रिक्वेस्ट पे जो मैंने कल क्रिएट की है मेरे रिलेटिव्स के लिए। तो आप यदि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी ये जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुकी है, और मुझे यहाँ पे डोनेशन आना भी स्टार्ट हो चुका है मेरी इस प्रोफाइल पे। जो मैंने फ़ोटोज़ अपलोड की है वो सारे फ़ोटोज़, फिर यहाँ पे मैंने जो गोल सेट किया था वो गोल की अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हो, और अभी तक मैंने कितना फ़ंड राइज किया है इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से, तो आप वो यहाँ पे देख सकते हो। फिर कितने बंदे ने मुझे फ़ंड दिया है, तो यहाँ पे उसका काउंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और मेरा ये कैंपेन ख़त्म होने में अभी कितना टाइम बाकी है वो जो मैंने एंड डेट आपको बताई थी उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे कैंपेनर का नाम, फिर मैंने जो बेनिफिशियरी यहाँ ऐड की है उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से मैंने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड किया है। डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने यहाँ पे फोटोज़ एंड वीडियोज़ भी यहाँ पे अटैच किए हैं, ताकि जो भी बंदे ये डिस्क्रिप्शन रीड करे तो उसको ये रिक्वेस्ट थोड़ी जेन्यून लगे, और जो भी मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो गाइज, मैंने आपको जो भी डिटेल्स अभी यहाँ पे बताई है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो उन जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना जिसको वाकई में इसकी जरूरत है। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो गाइज। एंड अगर आपको उस वेबसाइट का ईमेल एड्रेस या तो फिर हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, तो आप वहां से वो कॉन्टेक्ट नंबर या तो फिर ईमेल एड्रेस लेके आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो गाइज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर करना अपने सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिर सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोगों को इस तरह के प्लेटफॉर्म की जरूरत है आज के इस क्रिटिकल टाइम में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मेरी चैनल पे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे एंड आगे भी मिलते रहेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।